दोस्तों आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों हम लोग चर्चा कर रहे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बुक हिंदी साहित्य के इतिहास में वीर गाथा का। पिछले दो क्लास में हमने समझाया था कि शुक्ल ने आखिर आदि काल को वीर गाथा काल क्यों कहा। इसके पीछे शुक्ल जी का जो सबसे बड़ा रीजन था, शुक्ल जी ये मानते थे कि जो राजश्रित मूल रूप से उस समय जो राजश्रित कवि थे वो राजा के शौर्य पराक्रम और प्रताप का वर्णन करते थे और वीरों को उत्साहित करते थे, उत्साह उनमें बढ़ाते थे। और ये कवि जिस समय आदिकाल का आविर्भाव हुआ उस समय भी ये कवि देखने को मिलते हैं। और ये कवि जो है चारण कवि थे, भाट कवि थे, और ये जो रचनाएं लिखते थे ये रचनाएं आगे भी सुरक्षित रही, किसी लाइब्रेरी में रही या उत्तराधिकारियों के माध्यम से रही। और यही परंपरा, यही जो संरक्षित परंपरा थे, यही हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में मिलती है। इसे ही शुक्ल जी ने आदिकाल कहा, इसी की चर्चा किया। साथ ही दोस्तों हमने पिछले क्लास में आपको समझाया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि जब उत्तर पश्चिम भारत में इस्लाम का लगातार आक्रमण हो रहा था तो इस पर पश्चिम भारत के निवासियों पर भी प्रभाव पड़ रहा था। खास करके जब इस्लाम का बार बार आक्रमण हुआ और हर्षवर्धन के पतन के बाद जो भारत के सभ्यता और वैभव का केंद्र था वह पश्चिम भारत रह गया था, खासकर कन्नौज, अजमेर, अनिलवाड़ा आदि। तो जब पश्चिम भारत स्वाभाविक रूप से था कि जो प्रारंभिक काल का जो साहित्य उपलब्ध होता है वो भी पश्चिम भारत से रिलेटेड ही उपलब्ध होता है, तो स्वाभाविक है कि उस बुक में, उस किताब में जनता की चित्तवृत्ति की छाप रहे और वही छाप जनता की चित्तवृत्ति का देखने को मिलता है। साथ ही हमने पढ़ा था कि शुक्ल जी मानते हैं कि हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद साम्राज्य में जो एकीकरण की जो भावना थी वह भावना टूट गई, वह भावना खंड खंड हो गई और हर्ष के मृत्यु के बाद छोटे छोटे राज्यों का दौर शुरू हुआ जिसमें गहरवाल, चौहान, चंदेल, प्रतिहार आदि राजपूत राज्य थे जो अपने प्रभाव के वृद्धि के लिए ही आपस में लड़ते थे और उनको किसी लड़ाई की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी अपने शौर्य प्रदर्शन मात्र के लिए हमला करते थे। और जिस साहित्य का अभ्युदय होता है आदिकाल को, शुक्ल जी मानते हैं कि यह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था और सिर्फ बातें शेष रह गई थी, इसीलिए इस काल को वीरगाथा काल कहा था। यहीं तक हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था, आज हम आगे पढ़ेंगे आखिर शुक्ल जी कहना क्या चाहते हैं। दोस्तों अगर आपने हिंदी साहित्य के इतिहास को समझ लिया तो मैं वादे के साथ आपको कह सकता हूं कि आपका जीआरएफ, नेट, टीजीटी, पीजीटी, केबीएस सब होगा और जीआरएफ का 25 लाख रुपया आपसे कोई नहीं ले सकता है। अभी हमारी बात आपको मजाक लगता होगा लेकिन दिल से पूछना कि आप उस लायक हो तो फिर लायक कैसे बने, इसके लिए कठिन मेहनत करना पड़ेगा। ये मैं मोटिवेशन की बात नहीं करता हूं, ये हकीकत की बात करता हूं। मैं भी 3-3 सब्जेक्ट में जीआरएफ किया, उसमें हमने कठिन मेहनत किया था, हार्ड वर्क किया था। अगर आप भी चाहते हो तो आपको भी करना पड़ेगा। और इनसे मुझे कुछ पैसे नहीं मिलते हैं, आपको लगता होगा कि YouTube पर डालते हैं तो सर को पैसे कमाए, ऐसे बिल्कुल नहीं है। मैं मदद करना चाहता हूँ, समाज के प्रति हर इंसान की जिम्मेदारी होती है। आज इंसान सिर्फ अपने तक सीमित हो गया, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, कभी समाज के बारे में नहीं सोचता है। समाज से लेना तो बहुत कुछ चाहता है, देना कुछ नहीं चाहता है, यही कमी है दोस्तों। और ये कमी जब तक रहेगा समाज डेवलप्ड नहीं हो सकता है। तो हर इंसान का अपना कर्म होता है, मैं तो उसी कर्म पे चलता हूं। हमारे पास हमारा अपना कर्म है
और वो मैं कर रहा हूं और आपका अपना कर्म है, आप करेंगे तो उस कर्म का फल भी आपको मिलेगा। तो दोस्तों आज जो हम समझने वाले हैं, आज का बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी जो आगे कहते हैं, शुक्ल जी कहते हैं कि इस्लाम का जो आक्रमण हुआ 7वीं-8वीं सदी से, उस आक्रमण का क्या प्रभाव भारत पर पड़ा, इस्लामिक आक्रमण का क्या इफेक्ट था हिंद साहित्य के इतिहास पे, इसी की चर्चा शुक्ल जी करते हैं। आगे शुक्ल जी लिखते हैं, समझिएगा, पहला लाइन मैं आपको समझाऊंगा। महमूद गजनवी जो 1087 के लौटने के पीछे, महमूद गजनी सुल्तानों का एक हाकिम लाहौर में रहा था और वहां से लूट मार के लिए देश के भिन्न भिन्न भागों पर, विशेषतः राजपुताना पर चढ़ाई हुआ करती थी। शुक्ल जी लिखते हैं कि 10वीं सदी के आसपास महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। और ये जो आक्रमणकारी थे ना, देश के भिन्न भिन्न भागों में जाकर आक्रमण करते थे, खास करके राजपुताना पर इनका विशेष आक्रमण होता है। शुक्ल जी लिखते हैं कि इन आक्रमण का वर्णन फारसी तवारीखों में नहीं मिलता है, यानी कि इनका वर्णन जो इस्लाम के जो आक्रमण का वर्णन है वो किसी फारसी बुक में नहीं मिलता है, पर कहीं कहीं संस्कृत ऐतिहासिक काव्यों में मिलता है कि जो इस्लामिक आक्रमण हुए हैं उसके बारे में शुक्ल जी लिखते हैं, खासकर महमूद गजनवी के बारे में, कि इनका चर्चा फारसी रचनाओं में नहीं मिलता, पर कहीं कहीं संस्कृत ऐतिहासिक काव्यों में मिलता है। आगे शुक्ल जी इतिहास भी बताते हैं। सांभर अजमेर का चौहान राजा दुर्लभ राज द्वितीय मुसलमानों के साथ युद्ध में मारा गया था। ये चर्चा है कि राजपूतों का जो है, शुक्ल जी ये चर्चा करते हैं कि राजपूतों का मुसलमानों से झगड़ा हुआ था, आपस में लड़ाई हुई थी। उदाहरण के लिए बताता है कि सांभर जो आज जयपुर में पड़ता है, अब पहले अजमेर में पड़ता था, सांभर जो अजमेर के राजा था दुर्लभ राज द्वितीय के साथ युद्ध में, मुसलमानों के साथ युद्ध में मारा गया था। वही अजमेर बसाने वाला अजय राज, जीके के दृष्टिकोण से भी याद रखिएगा कि अजमेर को बसाने वाला अजय राज ने मुसलमानों को परास्त किया था। अजमेर बसाने वाले अजय राज ने मुसलमानों को परास्त किया था। अजय देव के पुत्र अर्नो राज के समय में मुसलमानों की सेना फिर पुष्कर की घाटी को लांग कर उस स्थान पर जा पहुंची जहां अब आना सागर है। शुक्ल जी लिखते हैं कि एक बार तो जो चौहान राजा था दुर्लभ राज, वो मुसलमानों के साथ युद्ध में मारा गया। दूसरा था अजमेर जो का जो निर्माण किया था अजय राज, उन्होंने मुसलमानों को पराजित किया था। यही अजय देव के पुत्र जो अर्नो राज था, यही अर्नो राज ने आगे चल के आना सागर का निर्माण कराया था। अर्नो राज के समय में भी मुसलमान जो है पुष्कर की घाटी, जो पुष्कर मेला लगता है वहीं पर पुष्कर घाटी है राजस्थान में, वहां तक पहुंच गया था जो आना सागर है। कहता है अर्नो राज ने उस सेना का संहार कर बड़ी भारी विजय प्राप्त की। वहां मलेच्छ मुसलमानों का रक्त गिरा था, इससे उस स्थान को अपवित्र मानकर वहां अर्नो राज ने एक बड़ा तालाब बनवा दिया था जो आना सागर कहलाया। शुक्ल जी क्या कहना चाहते हैं मुसलमानों के बारे में समझिए कि महमूद गजनवी के बाद या महमूद गजनवी के दौर से ही भारत पे मुसलमान का लगातार आक्रमण होता था और मुख्य आक्रमण राजपूतों पे होता था। इस आक्रमण में राजपूत कभी जीतते थे कभी हारते थे। जैसे चौहान राजा दुर्लभ राज द्वितीय मुसलमानों के साथ युद्ध में मारा गया था, वही अजमेर बसाने वाला जो अजय देव है ने मुसलमानों को परास्त किया था। यही अजय देव के पुत्र ने
जो अजय देव के पुत्र अर्णोराज था, जो बाद में अरा सागर बनाया, अर्णोराज ने मुसलमानों की सेना को पुष्कर घाटी लांघकर उसे पराजित कर दिया। और वहीं पर मलेच्छकह और किसी अर्णोराज ने बड़ी संख्या में, बड़ी भारी मात्रा में जो है मुसलमानों का संहार किया, और वहां मलेच्छों का रक्त गिरा था। मुसलमान को मलेच्छ कहते थे, रक्त गिरा था। इसी कारण उस स्थान को अपवित्र मानकर जो है एक बड़ा तालाब दोस्तों बनवा दिया, उसी का नाम आना सागर था। तो ये जो पैराग्राफ है बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझने के दृष्टिकोण से भी और पढ़ने के दृष्टिकोण से भी। हमारी कोशिश है कि संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को 10-10-15 मिनट के वीडियो में आपको समझाता चलूं, लेकिन सबसे बड़ी शर्त है कि आपको दोस्तों समझना पड़ेगा और पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा कि ये मैं समाज के लिए करना चाहता हूं कि आप भी सीखिए शुक्ल जी कहना क्या चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि 90% बच्चों को शुक्ल की बुक समझ नहीं आती है, तो फिर रिजीआरएफ कैसे होगा, रिजल्ट कैसे होगा, पीजीटी कैसे होगा, आप सोच सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे के पैराग्राफ को समझाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।